अगर आप हमारे साथ अभी भी हैं गणेश, तो थोड़ा इसमें आगे अगर बता सकें आप कि जब पुलिस ये कह रही है कि शूटर्स, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि शूटर्स आए हैं यूपी से, बाहरी राज्य से, हरियाणा से और यूपी से, यही कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, क्या इसका अर्थ अभी निकाला जाए? गणेश, अभी तो पुलिस बहुत ज्यादा जानकारी देगी नहीं, मगर आपको क्या लगता है इसमें क्या समझा जाए? जी देखिए, ये खबर एबीपी न्यूज ने ब्रेक की थी कि दोनों फीचर हरियाणा और यूपी के खुद को बता रहा है, लेकिन पुलिस इसे वेरीफाई कर रही है। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि शूटर्स या आरोपी गिरफ्तार होने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही राह पर न जाए, इनको इनकी दिशा भटकाने की कोशिश करते हैं, तो संभवतः ये आरोपी भी इसी तरह कोशिश करते होंगे। लेकिन जानकारी मिल रही है कि ये जब भाग रहे थे तो 5 या 6 मिनट के अंदर ही पुलिस की नाकाबंदी में इनको पकड़ा गया, क्योंकि वहीं पर नाकाबंदी चल रही थी। शूटर्स भाग कर जब जा रहे थे, जब हल्ला वहां पर हुआ तो पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, तभी यह इतनी जल्दी पुलिस की हिरासत में आ सके। अब तीसरा शूटर गायब है, इसकी जांच चल रही है, एक गैंगस्टर के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, लेकिन ये सारे पहलू हैं, इनकी जांच पुलिस करने के बाद ही कोई ठोस स्थिति पर पहुंच कर ब्रीफिंग देगी। पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आरोपी को उत्तर भारत से बता रहा है, हरियाणा और यूपी से। एक ने अपना नाम शिवा बताया है, इनके पास से घर बनाया है। जैसे ही देखिए मेगा, आपको भी बताया कि ये इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम देने में सिर्फ 3 शूटर भी लगते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, करते हैं, वो आते हैं, उन्हें लाया जाता है, उन्हें रुकाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले उनकी रेकी कई बार की गई होगी, क्योंकि सीधे जाके शूट नहीं करते हैं कोई भी क्रिमिनल, वो कहाँ जाते हैं, किस समय अकेले रहते हैं, क्योंकि उनको Y+Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। तो ये जरूर देखा गया होगा कि कब उनके साथ कम पुलिस वाले होते हैं, कब ऐसा मौका उनको मिल सकता है जहाँ पर उन पर फायरिंग करने के बाद वहां से वो भाग सके या उनकी मौत हो जाए। तो रेकी जरूर की गई होगी, और एक नहीं, दो नहीं, कई दिनों तक ये की गई होगी। जब इन शूटर्स को यहाँ लाया गया होगा तो यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया होगा, यहाँ पर उन्हें कहीं रोकने की जगह दी गई होगी, कुछ लोग होंगे जिन्होंने। तो गणेश ये सवाल अभी बनता है, बाबा सिद्दीकी का घर और सलमान खान का घर काफी करीब है एक दूसरे से, बांद्रा के ही इलाके में। सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, आज का इंसिडेंट भी बांद्रा में हुआ, उसी इलाके में हुआ, तो क्लियरली वहां पर जो गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर पुलिस की नजर नहीं थी। बिल्कुल, अब नजर नहीं थी ये कहना बड़ा बहुत ही हार्श होगा पुलिस पे, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। पुलिस ने सलमान खान के घर में फायरिंग की थी, उसके बाद में पूरे एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी थी, इनको अगर सिक्योरिटी थ्रेट था तो पुलिस ने इन्हें बाय सिक्योरिटी जीत थी। अब इंटेलिजेंस फेलियर जरूर है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी साजिश रखी जा रही है तो इंटेलिजेंस फेलियर है। संभवतः इतनी गतिविधियां अगर बांद्रा इलाके में हो रही हैं तो पुलिस अगर ये कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है, तब जरूर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने इस पर और ठोस तरीके से काम करना चाहिए था। अगर कोई मूवमेंट बाबा सिद्दीकी या सलमान के करीबी लोगों के ऊपर हो रही थी तो उसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस का कहना यही है कि जब भी बाहर राज्यों से एक्सिक्यूटर जाते हैं तो उनकी मूवमेंट ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस राज्य में वांटेड क्रिमिनल्स होती नहीं है, उनकी मूवमेंट जो है उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। जी गणेश, मृत्युंजय के पास एक बड़ी अपडेट है। मृत्युंजय, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो प्लीज हमें बताएं। सलमान खान आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी ये खबर आ रही है हमें कि सलमान खान पहुंचे हैं लीलावती अस्पताल, करीबी, बहुत करीब दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी और सलमान खान। अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से मैं कंफर्म कर सकती हूं कि एक्टर सलमान खान लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं जहां बाबा सिद्दीकी को लाया गया था। मृत्युंजय, अगर मैं आपके पास अभी तुरंत आऊं, पहले तो आप कंफर्म करें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और इस बड़ी खबर पर आप कि आपको अभी तक पुलिस से क्या समझ आया है, क्या टाइमलाइन है, प्लीज हमारे दर्शकों के लिए एक बार बताइए, आप क्या क्या कंफर्म कर सकते हैं मृत्युंजय इस बारे में? जी मेघा, मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं। एक तो ये जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सलमान खान लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं, तो बता दूं कि बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे सलमान खान, जब उन्हें सूचना दी गई कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हो गई है, और उन्होंने तत्काल बिग बॉस की शूटिंग छोड़ी और सीधे लीलावती अस्पताल के लिए निकले, और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो लीलावती अस्पताल अब पहुंच गए हैं। अभी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ मेघा दर्शकों को, 9:17 पर फायरिंग हुई है, ये जानकारी आई है। बाबा सिद्दीकी विशाल सिद्दीकी के दफ्तर से निकले थे, सामने जो टर्निंग है वहां पर एक राम मंदिर है,
9:17 पे ये फायरिंग हुई है, आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी सूरज ओझा के पास जाना चाहती हूँ जो घटना स्थल से अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सूरज, आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज आप बताएं एग्जैक्टली आपने आप क्या देख रहे हैं अभी। सूरज, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मेघा, मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले ये स्पॉट देखिए, ये स्पॉट पर आप देखेंगे कि आपको चार बुलेट्स के शेल्स दिखाई देंगे। ये एम्प्टी शेल्स हैं और ये चार फायरिंग कंफर्म करते हैं। फिलहाल बाबा सिद्दीकी इसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस वक्त शूटर्स ने उन पर गोली चलाई। आपको दिखाई दे रहा होगा पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। थोड़ी ही समय में यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम आएगी जो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगी। आप देखिए चौक से राउंड बनाया गया है और ये चार राउंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये चार और आगे एक पांचवा राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे पांच गोलियों के जो बुलेट शेल्स होते हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बाबा सिद्दीकी जब 9:30 बजे यहां से गुजर रहे थे उस वक्त तीन अननोन लोगों ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद अब दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मैं आपको दिखा दूं जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के वो भी स्पॉट पर पहुंचे हैं। Zone 8 के DCP स्पॉट पर पहुंचे हैं। कुछ ही समय में यहां पर फॉरेंसिक की टीम भी आएगी। मेघा, मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, यही वो स्पॉट है, ये बांद्रा ईस्ट का वो स्पॉट है जो बहुत ही भीड़ भाड़ भरा हुआ होता है। यहां से माता की विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, कई सारे लोग यहां पर थे, फटाकों की आवाज आ रही थी। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए जो शूटर्स थे उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पांच राउंड्स दिखाई दे रहे होंगे जो चौक से सर्कल किए हुए हैं। ये पांच के पांचों राउंड्स थे जो चलाए गए, जिसमें से तीन से चार गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जब तक बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। मेघा, मैं आपको बता दूं इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ये जो आरोपी हैं ये उत्तर प्रदेश से आए हैं और पुणे से इनकी सुपारी निकाली जाने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। सूरज, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, मैं पुलिस की टीम पीछे आपके देख सकती हूं, आपने कहा DCP है वहां पर, अगर आप कोशिश कर एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए, कम से कम हमें पता तो चले उन्हें क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सके हैं अभी तक वो स्पॉट से। और जैसा कि आपने ये पॉइंट आउट किया, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बांद्रा ईस्ट के इलाके में, आज दशहरे के दिन, आज नॉर्मल दिन नहीं था, दशहरे के दिन जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है, उस वक्त शाम के वक्त जब लोग घर से बाहर निकलते हैं त्योहार मनाने के लिए, आज के दिन इतनी गोलियां बरसाई गई है बाबा सिद्दीकी पर। उस गाड़ी के अंदर बैठे थे बाबा सिद्दीकी और जैसे मेरे सहयोगी ने अभी बताया पांच राउंड तो वो खुद ही देख सकते हैं, चौक से सर्किल किया गया है, कम से कम उनमें से तीन गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी है। तो बिल्कुल टारगेटेड शूटिंग हुई है ये और काफी प्लानिंग के साथ हुई है। वैभव परब मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आप एग्जैक्टली कहां पर हैं पहले ये कंफर्म करिए, आपके पास क्या अपडेट है बताइए। वैभव परब मेरे सहयोगी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आप बताएं अभी एग्जैक्टली आप किस लोकेशन पर हैं, आप सब लोकेशंस बदल रहे हैं, मुझे बताइए आप कहां हैं और आपके पास क्या अपडेट है वैभव अभी। जी ये आप जो मैं हूँ इस वक्त लीलावती अस्पताल के बाहर, जहाँ पे काफी सारे बाबा सिद्दीकी के समर्थक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जमा हुए हैं, काफी आक्रामक दिख रहे हैं, यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने पूरा घेराव करके रखा है। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो बाहर से और अंदर से पूरी तरफ से पुलिस का पहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जितनी बाहर पुलिस है उतनी भी अंदर पुलिस फौज है वो तैनात की गई है, और हम आपको बता जाएंगे हर एक कोई जो बाबा सिद्दीकी का समर्थक है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और उनको पुलिस बाहर निकलने की। लीलावती अस्पताल, सूरज, संजय दत्त पहुंचे हैं लीलावती अस्पताल, सलमान खान पहुंचे हैं लीलावती अस्पताल और आज पूरी रात ताता लगा रहेगा वहां लोगों का। आपको ये बात बता दी जाए कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, सिर्फ पूर्व मंत्री नहीं थे, बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में बहुत पकड़ रखते थे, बहुत पहचान, बहुत दोस्त। और समझिए कि एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके पहुंचने के बाद जो पहला बड़ा नाम पहुंचा है लीलावती अस्पताल वो सलमान खान है, उसके बाद संजय दत्त है, ये सब करीबी रह चुके हैं, करीबी हैं बाबा सिद्दीकी के, उनके परिवार के, जीशन के। मैं वापस जाना चाहती हूं मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, क्या बता सकते हैं आप हमें भी?
जी बिल्कुल, मैं बता रहा था निरीक्षण से जुड़ी हुई बात, जो अब तक एक टाइमलाइन समझ में आई है कि बाबा सिद्दीकी 9:15 पर दिशांग के दफ्तर से निकले थे बैंड राइज से और गाड़ी में बैठे ही थे और 2 मिनट बाद 9:17 पर ये तीनों नकाब पोशा, इन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल बांधी रखी हुई थी। और आपको बता दें कि बहुत क्राउड था वहां पर, ट्रैफिक लगा हुआ था, कई जगह पे आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे क्योंकि आज दशहरा का उत्सव है तो पटाखे फूट रहे थे। और उसी दौरान उसी आतिशबाजी के बीच इन शूटर्स ने फायरिंग की और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें से 2 बुलेट जो है वो बाबा सिद्दीकी के चेस्ट पर लगी और चेस्ट पर लगने के बाद ही उनकी तबीयत वो बेहोश हो गए और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और शूटर्स वहां से फरार हो गए। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जो नाकाबंदी लगी थी वहां पर 2 शूटर्स पकड़े गए, एक अभी भी फरार है और तुरंत बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल के सूत्र बता रहे हैं कि अस्पताल लाने से पहले ही वो उनका पल्स नहीं चल रहा था और फिर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। ठीक है, एक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।